सभापति महोदय, मैं कल से बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। आज सौभाग्य से मुझे वह अवसर प्राप्त हो सका है। वैसे मैं कल बोलना चाहता था। श्रीमन, कल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक खास पार्टी से संबंध रखता हूँ और चूंकि कल मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिला तो मैंने सोचा, चलो आज ही जब देश में भयंकर सूखा पड़ रहा है तब मैं कुछ उस विषय पर सदन के समक्ष निवेदन कर सकूं। पैरा, संसार में बहुत से कष्ट हैं और उन कष्टों का निराकरण करने के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। उन कष्टों में से भूख को सबसे बड़ा कष्ट माना गया है और आज हमारा देश सूखे के कारण भूख से मर रहा है। यह रिपोर्ट हमारे सामने है और माननीय मंत्री महोदय के सामने भी होनी चाहिए। वह आज शासन की कुर्सी पर विराजमान है और उन्हें अपना बचाव करना है और इसलिए मरने वालों के लिए कहकर कि ऐसे चंद लोग ही हैं, वह अपना बचाव कर सकते हैं और वह करें, परंतु देश की इस महान समस्या की तरफ से आंख मूंद लेना यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। जिस समय हमारे हाथ में राज्य नहीं आया था, देश की जनता यह समझती थी और उसको कहा जाता था कि राम राज्य आ जाएगा। अब राम राज्य का स्वरूप हमारे सामने यह है कि लोगों को पेट भर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। अनेक आंकड़े यहाँ पर हमारे सामने रखे गए हैं कि इतने लोग भूख के कारण मर गए। इस प्रकार की घटनाओं का ऐसे कृषि प्रधान देश में, जो देश प्रधानता ही इस बात की रखता हो कि वह अन्न उत्पादन करता है, वास्तव में बड़े शर्म की बात है। पैरा, यह देश अन्न और वस्त्र के संबंध में आत्मनिर्भर था। अपने आप की रक्षा करने की ही उसमें सामर्थ्य नहीं थी, वरन दूसरों को खिलाने और दूसरों को बचाने की भी गारंटी यह देश देता था। वह देश स्वतंत्र होने के पश्चात न तो दूसरों को बचाने की सामर्थ्य रखता है और न स्वयं को ही अन्न संकट से बचा पा रहा है। इतनी भीषण और भयंकर परिस्थिति इस राष्ट्र में उत्पन्न हो गई है। पैरा, कल मैं सदन में वैदेशिक नीति पर हुए विवाद को सुन रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतवर्ष ने मान प्राप्त किया है और वह इस बात पर किया है कि रूस और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं और नंगे, भूखे, पीड़ित, शोषित और शासित जितने राष्ट्र और आदमी हैं उनके नेता और तीसरी ताकत हम है और इसलिए हमारा मान भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए और दुनिया में लड़ाई झगड़े रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं और वे उसके कारण बड़ा मान पा रहे हैं, लेकिन घर की हालत क्या है? हम एशिया का संगठन करेंगे, हम संसार का संगठन करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि घर की चिंता किसको है? इस देश की चिंता कौन करेगा?